अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? मैम अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है? अच्छा, यस मैम। यस मैम। आपकी क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, जी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से जो लोग ऑन कैंपस आना चाहते हैं, क्या वो इससे पहले जो बायोमैकेनिक्स का सेक्शन एक ही क्लास होती है 2 to 3:30, उसमें ले सकते हैं या कोई क्लास है उन लोगों के? मैम है क्लास इलेक्ट्रो मैम क्लैश है, हमारी क्लास होती है। क्योंकि असल में मुझे अभी तक सिर्फ एक ही रूम मिला है, वो बायोमैकेनिक्स सेक्शन एक ही लिए मिला है, दैट इज 1C14। इसके अलावा जो रूम्स हैं वहाँ पे अभी सिस्टम वगैरह जो है वो अरेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पे मैं हाइब्रिड अभी शुरू नहीं कर सकती इस तरह से, क्योंकि मैंने ऑनलाइन साथ लेके चलना है ना। तो अगर आप में से वो लोग हैं जो चाहते हैं कि वो ऑन कैंपस ही आए और उनकी वैक्सीनेशंस भी हैं, तो अगर उनके लिए पॉसिबल है कि वो सेक्शन ए के साथ ले लें 2 to 3:30, ताकि क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही क्लासरूम है उसी सेक्शन के लिए, तो इस तरह से वो उनके साथ मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि क्लासेस तो सेम होती हैं आप लोगों की। और अगर नहीं तो फिर आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अंटिल के वहाँ पे जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पे नेट और बाकी जो पीसीज हैं वो अरेंज हो जाए। तो अगर आप में से किसी के लिए पॉसिबल है, लेक्चर नहीं है अगर 2 से 3:30, तो फिर आप मंडे से 1C14 में जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। वैसे तो शायद कोऑर्डिनेटर्स कह रहे हैं कि मंडे तक तो होपफुली अरेंज हो जाएंगे पीसीज, तो जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है फिर वो ऑन कैंपस जो है वो आ सकेंगे। ठीक है, ओके मैम। चले हमारा जो लेक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंजीनियरिंग अप्रोचेस टू स्टैंडिंग, कि हमने उसमें देखा कि हमारे पोस्चर्स क्या हैं, नॉर्मल पोस्चर्स एंड एबनॉर्मल पोस्चर्स। फिर हमने उसके अंदर बात की कि पोस्चरल मसल्स क्या होते हैं, फेजिक मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं। फिर हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारे अपर क्रॉस सिंड्रोम्स क्या हैं, लोअर क्रॉस सिंड्रोम्स क्या होते हैं। तो उसके अंदर फिर हमने देखा था कि जब हम स्टैंडिंग में होते हैं तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लाए करता है, हील का डिजाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट बायोमैकेनिक्स ऑफ पेल्विस, कि पेल्विस जो है उसमें सेल्फ ब्रेसिंग है, कि हमारा सेक्रोइलिक ज्वाइंट जो है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शेयर फोर्सेज जो है वो नहीं प्रोड्यूस होती, और हमारी जो कंप्रेसिव फोर्सेज हैं उसकी वजह से हमारा जो शोल्डर है इसमें फ्रिक्शन आती है। सॉरी, शोल्डर कह रही हूँ, सैक्रोइलिक जो ज्वाइंट है इसके अंदर हमारी फ्रिक्शनल फोर्सेस क्रिएट होती हैं, जिनकी वजह से हमारा जो सैक्रोइलिक ज्वाइंट है उसकी सेल्फ ब्रेसिंग हो जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इसमें कोई ऐसी चीज है जो आप में से कुछ लोग पूछना चाहते हो, जिसको समझ ना आई हो? सबको क्लियर है लास्ट लेक्चर? यस मैम। चले, आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद बायोमैकेनिकल अप्रोचेस टू सिटिंग एंड लाइंग। ठीक है, स्टैंडिंग में हमने पढ़ लिया था, आज हमने सिटिंग और लाइंग के बारे में पढ़ना है। सिटिंग में आप देखेंगे कि सामने जो हमारी सिटिंग की जो हमारा पोस्चर है, इसमें हमारा जो सीट है लाइक जिसपे हम बैठ रहे हैं, जो चेयर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी जितनी मर्जी हाइट है, इंडिपेंडेंट ऑफ योर हाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, जो सिटिंग है उसमें आपका जो सीट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो सीट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक बैक रेस्ट है, इसका एक आर्म रेस्ट है, आपके जो हिप और नी है वो 90 का एंगल बना रहे हैं। तो आइडियल जो सिटिंग पोस्चर है उसमें आर्म रेस्ट, बैक रेस्ट, हमारी जो फुट रेस्ट है, हमारी जो नेक रेस्ट है, ये सारी चीजें जो है वो आइडियल सिटिंग के लिए जरूरी है। तो आज हम बेसिक यही डिस्कस करेंगे कि सिटिंग में और लाइंग पोस्चर्स में आप किस तरह से अपनी जो मस्कुलर एफिशिएंसीज हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं, या नॉर्मल जो सीटिंग है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ पर्सन। ठीक
ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये साइज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंगली हमारी जो सीटिंग है. बेसिकली जो गुड सिटिंग पोस्चर है इसमें हमारा जो मिनिमल मसल वर्क है वो इस्तेमाल होता है. क्या मतलब है इस बात का? जैसे पोस्चर नॉर्मल जो हमारा पोस्चर है, जो नेचुरल पोस्चर है, वो इस तरह से बना है कि हमारे मसल्स को लीस्ट वर्क करना पड़े और हमारे जो मसल्स हैं जो वो लीस्ट वर्क करें और एफिशिएंट काम जो है उसको परफॉर्म कर लें. तो अगर हमारा पोस्चर बिल्कुल ठीक होगा जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जो नेचुरल है, उसमें हमारा जो मसल वर्क है वो लीस्ट लगता है. तो गुड सिटिंग पोस्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमल मसल वर्क विच इज अचीव्ड बाय आर्म रेस्ट, बैक रेस्ट, सीट एंड द फुट रेस्ट. ठीक है, कि आपका आर्म रेस्ट कैसा हो, आर्म रेस्ट होना चाहिए चेयर में, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बैक रेस्ट जो है वो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, आपकी सीट की क्या क्या एंगल होना चाहिए सीट का, फुट रेस्ट के क्या पर्पजेज हैं. तो एक आइडियल जो सीटिंग पोस्चर है वो आपकी सीट के ऊपर डिपेंडेंट है और उस सीट के ये मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स हैं. लाइक वो सीट क्या है, वो एक चेयर. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ सीटिंग इज अबिलिटी टू चेंज पोस्चर रेगुलरली. सीटिंग में आपने एक पहला जो एक चीज है जिसको आपने फॉलो करना है कि अगर आपकी इस तरह की नौयत है लाइक काम की, लाइक 8 to 9 hours या 5 to 6 hours हैं आपके, या आप लेक्चर्स लेते हैं थ्रू आउट द डे, तो उसमें आपको चाहिए कि आप अपने जो पोस्चर है उसको चेंज करते रहें. सीटिंग से स्टैंडिंग में आ जाएं, स्टैंडिंग से वॉकिंग में मूव करें, एक पूरा राउंड लगाने के बाद आप फिर आके बैठ जाएं. तो अगर 8 to 9 hours की आपकी सीटिंग है, आपका पीसी यूज है, तो उसमें इट्स गुड कि आप अपना जो पोस्चर है उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करते रहें ताकि आपके जो मसल्स हैं उनके ऊपर लीस्ट वर्क आए. सबसे पहले हम देखेंगे एर्गोनॉमिक चेयर को. एर्गोनॉमिक चेयर बेसिकली क्या है? डिजाइन चेयर जो इसलिए डिजाइन की गई हैं ताकि आपके जो पोस्चर्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके, जो पोस्चर्स हैं वो अफेक्टिव पोस्चर्स हों आपके. लाइक आपकी वर्क प्लेस पे आपकी किस तरह की चेयर्स होनी चाहिए कि आपका जो पोस्चर है वो मेंटेन रह सके. वर्क प्लेस पे जो भी हम मॉडिफिकेशंस करते हैं हमारे फर्नीचर्स के अंदर, वो सारी एर्गोनॉमिक्स के अंदर आती है. तो जो सामने आपके है, दिस वन इज योर एर्गोनॉमिक चेयर. यू कैन सी इट हैज अ नेक रेस्ट जिसको हम हेड रेस्ट भी कह सकते हैं. इसका जो बैक रेस्ट है वो कर्व्ड है, जैसे आपकी स्पाइन कर्व होती है. आप सबको पता है कि स्पाइन में जो लंबर का कर्व है दैट इज कन्वेक्स फॉरवर्ड. इसी तरह से आपकी जो ये चेयर है इसका बैक रेस्ट भी कन्वेक्स फॉरवर्ड होता है ताकि ये लंबर के कर्व को सपोर्ट कर सके. अगर आपका बैक रेस्ट ना हो कर्व शेप जो कि लंबर के कर्व को सपोर्ट ना करता हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो लंबर है उसकी स्ट्रेटनिंग हो सकती है, या फिर आपका ये जो कर्व है ये एग्जैजरेट भी हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज हाइपरलोर्डोसिस. एर्गोनॉमिक चेयर मस्ट हैव अ आर्मरेस्ट. ठीक है, आर्मरेस्ट जो है वो इसके पास होने चाहिए ताकि आप अपने आर्म को इसके ऊपर प्लेस कर दें. जब आप आर्म को आर्मरेस्ट के ऊपर प्लेस करते हैं एल्बोस को, तो एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन आती है. हमने ये पढ़ा था बायोमैकेनिक्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी में कि एल्बो एक्सटेंशन और जो शोल्डर एक्सटेंशन है इसमें जो वर्क लोड है मसल्स का वो बढ़ जाता है. मसल्स के ऊपर जो टॉर्क है वो इंक्रीज हो जाता है, मसल्स को काम ज्यादा करना पड़ता है. तो और इसके अलावा शोल्डर जो है इनके ऊपर लोड्स बढ़ जाते हैं. तो अगर आप चाहते हैं शोल्डर को ऑफलोड करना, शोल्डर के जो फोर्सेस हैं उनको मिनिमाइज करना, तो आर्मरेस्ट के ऊपर आप अपनी एल्बो को फ्लेक्स करके प्लेस कर सकते हैं अपनी एल्बोस. इस तरह से आपका जो लोड है वो मिनिमाइज हो जाएगा. एक जो आइडियल चेयर है उसकी जो सीट है, ठीक है, वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है ताकि आपकी जो टिबियल ट्यूबरोसिटीज हैं जिनके ऊपर आप बैठते हैं वो उनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस को मिनिमाइज किया जा सके. जो आइडियल चेयर होती है उसमें एक एडजस्टमेंट के लिए नॉब होती है जो बेसिकली आपकी चेयर की हाइट को एडजस्ट करते हैं. चेयर की हाइट, क्योंकि आप किसी चेयर पर बैठते हैं तो सामने टेबल होती है जिसके ऊपर आपका पीसी हो या आप कुछ लिख रहे हैं या कोई भी आपने सामने आपकी जिस तरह की वर्क की नौयत है उसके अकॉर्डिंगली जो डेस्क की आपकी हाइट एडजस्टमेंट्स हैं, अगर वो नहीं हो सकती तो आप चेयर को एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है, उसमें मल्टीपल चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे. आई लेवल है, आपके जो रिस्ट हैं उनके एंगल्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं. साथ में आपके जो एर्गोनॉमिक चेयर है उसके पास फुट रेस्ट होने चाहिए जिनके ऊपर अपने पाओं को आप प्लेस कर सकें. जो हैंगिंग चेयर्स होती हैं लाइक जिनमें आपके पाँव हैंग हो रहे हों, एक तो ग्रेविटी भी एक्ट करती है, दूसरा आपके जो लोड्स हैं वो बढ़ जाते हैं आपके लोअर लिम्ब के ऊपर, तो इसलिए हम फुट रेस्ट रखते हैं ताकि ग्रेविटी को एलिमिनेट किया जा सके. तो ये एक आइडियल चेयर है जो हमें एक अपने एर्गोनॉमिक या हमारे ऑक्यूपेशनल जो एरियाज हैं उनमें इस्तेमाल करनी चाहिए, गाइड करना चाहिए हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको, ताकि एबनॉर्मल पोस्चर से खुद को प्रिवेंट किया जा सके.
दिस वन इज द आर्मरेस्ट. ये आर्मरेस्ट आप देखेंगे बस में, अक्सर आप ट्रेवल करें तो बसेस में भी होती हैं, हमारी जो कार्स होती हैं, जो हमारी ड्राइविंग सीट है उसके साथ भी हमारे जो आर्मरेस्ट है ये बनी होती है, ताकि हमारा जो हम एल्बो इसके ऊपर जो है उनको प्लेस कर सकें. बेसिकली आर्मरेस्ट अनलोड्स द शोल्डर गर्डल. वेट ऑफ द आर्म इज 10% ऑफ द बॉडी विच इज कंसिडरेबल. ठीक है, इतना परसेंट जो वेट है वो कंसिडरेबल है. अगर आप जो है वो नहीं प्लेस करेंगे आर्मरेस्ट के ऊपर, तो आपका जो वेट है अपर लिम के ऊपर, जो आपका वेट है आप बॉडी के ऊपर आर्म्स का, वो इंक्रीज कर जाएगा. विदाउट आर्मरेस्ट आर्म्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल. ठीक है, अगर आर्मरेस्ट नहीं है तो आप जो अपने आर्म्स है उनको टेबल के ऊपर रखते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो अपनी जो चेस्ट है उसके साथ क्रॉस कर लें या अपने लैप में रख लें. आपने इसको लटकाना नहीं है क्योंकि ये लोड्स जो हैं वो बढ़ा देंगे. ड्राइविंग व्हील्स आर प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ लोअर आर्म बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द आर्म. आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि आपके जो ड्राइविंग व्हील्स हैं वो यहाँ पे इतने ऊपर नहीं लगे होते, वो नीचे लगे होते हैं. नीचे हम क्यों प्लेस करते हैं या नीचे ये क्यों प्लेस्ड हैं, ताकि एल्बो जो है इसके ऊपर फ्लेक्शन आ जाए, एल्बो की एक्सटेंशन में लोड्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो एल्बो जब फ्लेक्शन में आती है अपने शोल्डर के साथ, ठीक है, 90 का जब एंगल बनाती है या जो है ये फ्लेक्शन में है एज कम्पेयर टू एक्सटेंशन, तो उस केस में आपके जो लोड्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. तो ड्राइविंग व्हील्स जो है वो हमेशा लोअर आर्म के लेवल्स पे रखते हैं आर्म के वेट की वजह से. और साथ में आपकी जो ड्राइविंग व्हील्स हैं, आपकी जो चेयर होती है, जो सीट है बेसिकली ड्राइविंग सीट, उस पे साथ आप देखेंगे इस तरह से आर्मरेस्ट जो है वो प्लेस होते हैं, ताकि आप जो है इसके ऊपर अपना हैंड जो है उसको, जो आपकी एल्बो है उसको प्लेस कर सके, ताकि लोड्स को मिनिमाइज किया जा सके. नेक्स्ट वन इज बैक रेस्ट. अगर आपकी चेयर इस तरह की नहीं है जिसके ऊपर कर्व हो, तो ये इस तरह के जो बैक रेस्ट हैं ये अवेलेबल है मार्केट्स में, जो बेसिकली बैक स्पोर्टर्स के नाम से आते हैं, जो बैक को सपोर्ट करते हैं. जो बैक स्पोर्टर्स होते हैं इनमें आप देखेंगे कर्व होता है, वही कर्व जो लंबर को सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए, कन्वेक्स फॉरवर्ड. अब बैक रेस्ट के लिए कुछ चीजें हैं कि बैक रेस्ट आपने लंबर के लेवल पे प्लेस करनी है. बैक रेस्ट जो है ये आपका जो इन्फीरियर एंगल है स्कैपुला का उससे नीचे नीचे हो, ताकि आपका जो बैक का कर्व है इसको सपोर्ट किया जा सके लंबर को. ऊपर आपकी जो थोरेसिक है उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती. थोरेसिक जो एरियाज हैं यहाँ पे हमारी रिब्स होती हैं, जो कि एक रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं हमारे थोरेसिक रीजन को. अगर हम यहाँ पे जो है वो प्लेस करेंगे बैक रेस्ट, तो उसकी वजह से हमारा जो शोल्डर है वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि ये जो बैक रेस्ट है ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता शोल्डर फॉरवर्ड मूव करेंगे, राउंडेड हो जाएंगे, तो हमारा ऊपर से काइफोसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं, हमारा जो पोस्चर है वो खराब हो जाएगा. और इसके अलावा अगर हम यहाँ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है हमारे शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, हमें पीछे मुड़ते हुए प्रॉब्लम होती है, हम शोल्डर के स्ट्रेचेस जो है उनको परफॉर्म नहीं कर सकते. तो उस केस में जो आपका बैक रेस्ट है वो हमेशा इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से नीचे प्लेस होना चाहिए, ऊपर आपने अपर जो बैक है उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करनी. बेसिकली बैक रेस्ट के क्या पर्पजेज हैं, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर द वर्टिकली इरेक्टेड ट्रंक. ठीक है, आपका जो ट्रंक है उसको आपने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है. प्रोलॉन्ग सीटिंग है आपकी, 8 to 9 hours की सीटिंग है या 6 to 7 hours की सीटिंग है, उसमें लंबर का कर्व आगे की तरफ, लाइक फ्लैट बैक. ठीक है, जैसे पीछे की तरफ जो कर्व होता है लंबर का, जिसको हम कन्वेक्स फॉरवर्ड कहते हैं, दैट इज लंबर लोडोसिस. आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कर्व खत्म हो जाए कि आपकी बैक बिल्कुल फ्लैट होना शुरू हो जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ जाएगा तो वो लंबर काइफोसिस हो जाएगा. ठीक है, तो लंबर के काइफोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोलॉन्ग सेटिंग में एक कर्व शेप जो है वो रखते हैं हमारा बैक रेस्ट, ताकि हमारे जो कर्व है वो मेंटेन रह सके. सिग्निफिकेंस जो लंबर सपोर्ट की है वो क्लिक क्लैक फिनोमिना से देखी जा सकती है. क्लिक क्लैक फिनोमिना हम आगे डिस्कस करेंगे. अगर आपकी बैक रेस्ट नहीं होती और आप जो है वो स्लाउच पोस्चर में या आगे की तरफ बैंड होके बैठते हैं, जिसको हम क्राउच पोस्चर कहते हैं, ये हमारी स्पाइन के नॉर्मल कर्व्स को खत्म करके स्पाइन को सी शेप बना देता है. जैसे ये आपके सामने जो है ये सी शेप स्पाइन है. आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो मैकेनिक्स 1 में कि नेचुरली जब आप पैदा होते हैं, जब आप इन्फेंट्स होते हैं, तो उस टाइम पे आपके सिर्फ प्राइमरी कर्व्स होते हैं. प्राइमरी कर्व्स कौन कौन से हैं, थोरेक्स के या थोरेसिक रीजन के या फिर आपके जो सेक्रम के कर्व्स हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी कर्व, के बाय बर्थ ये प्रेजेंट होते हैं, कि हमारे जो इन्फेंट है उसकी सी शेप होती है हमारी जो स्पाइन है. आहिस्ता आहिस्ता जब आप चलना शुरू करते हैं या क्रॉलिंग शुरू करते हैं, तो जब आप वेट डलता है स्पाइन के ऊपर, तो स्पाइन के अंदर कर्व फॉर्मेशन शुरू होता है, जब बेबी नेक होल्डिंग शुरू करता है उस टाइम पे भी. तो सर्वाइकल का और जो लंबर का कर्व है
ये इस्टेब्लिश होना शुरू होते हैं. ठीक है, तो सर्वाइकल और लंबर के कर्व जो हैं ये हमारे सेकेंडरी कर्व्स हैं, और जो बाय बर्थ कर्व होते हैं वो हमारे थोरेसिक और सैक्रल हैं. तो आपके जो एबनॉर्मल पोस्चर्स हैं उनकी वजह से आपके जो प्राइमरी जो सेकेंडरी कर्व्स हैं सॉरी वो चेंज होके दोबारा से सी शेप में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं. तो अगर आप आगे होके बैठते हैं, अपनी जो बैक है उसको सपोर्ट नहीं करते, स्लाउच पोस्चर में अगर आप बैठते हैं, तो उस केस में दोबारा से आपकी जो स्पाइन है वो सी शेप हो सकती है. जैसे आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आपने किसी चीज को उठाना है, या आप गोल्फ खेल रहे हैं, आप कोई भी गेम कर रहे हैं, उसमें आपने अपनी जो स्पाइन है उसको फ्लेक्स कर लिया है और नीज के ऊपर आपने कोई बेंडिंग नहीं की, तो इस केस में भी आपकी जो स्पाइन है वो सी शेप कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आपकी बैक इरेक्ट हो और आप जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो अपनी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, जो आपका हिप और नी है, उसके लेवल पे करें, ताकि आपकी जो स्पाइन है उसकी नॉर्मल एनाटॉमी को या उसका जो नॉर्मल पोस्चर है उसको मेंटेन रखा जा सके. नेक्स्ट वन है क्लिक क्लैक फिनोमिना. हमने भी पीछे बात की कि जो इम्पोर्टेंस है हमारे बैक रेस्ट की, ये हमें क्लिक क्लैक फिनोमिना से भी पता चल सकती है. बेसिकली व्हाट इज क्लिक क्लैक फिनोमिना, जब आप बिल्कुल एज ऑफ द चेयर के ऊपर बैठते हैं, जैसे आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, आप एज ऑफ द चेयर पर बैठते हैं, तो क्या आप काफी देर तक इस पोजिशन में बैठ सकते हैं? नहीं बैठा जाता. ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड जो है वो बैंड होने की कोशिश करते हैं. तो जब आप बिल्कुल एज ऑफ द टेबल पे बैठते हैं और आप आगे बेंड होने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो लंबर है वो एंटीरियरली ट्रांसलेट हो जाता है. लंबर की एंटीरियर ट्रांसलेशन का मतलब है कि पेल्विस पे एंटीरियर टिल्ट आएगा. पेल्विस पे जब एंटीरियर टिल्ट आता है, तो हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है लोअर क्रॉस सिंड्रोम में, कि जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है तो लंबर लोर्डोसिस हो जाता है. ठीक है, कि लंबर का ये जो कर्व है ये एग्जैजरेट हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज लंबर लोर्डोसिस. इसी तरह से जब आप पोस्टीरियर टिल्टिंग, क्या होगा कि आप बैठे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि पीछे आप सपोर्ट कर लें खुद को, लेकिन पीछे कोई बैक रेस्ट नहीं है और आप जो है वो आपका जो लंबर का कर्व है वो सपोर्ट नहीं हो पा रहा, आप पीछे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक रेस्ट ना होने की वजह से आपकी जो लंबर है वो पोस्टीरियरली ट्रांसलेट होगी. जब लंबर पे पोस्टीरियर ट्रांसलेशन आती है, तो साथ में पेल्विस की पोस्टीरियर टिल्ट हो जाती है. जब पेल्विस पोस्टीरियरली टिल्ट होता है, तो हमारा जो नॉर्मल एक लोर्डोटिक कर्व है हमारे लंबर में वो कम होना शुरू हो जाता है, और हमारा जो लंबर एरिया है वहां पे फ्लैटनिंग आती है, जिसका हम कहते हैं फ्लैट बैक है. तो ये है हमारा क्लिक क्लैक फिनोमिना, कि अगर आपकी बैक रेस्ट नहीं है, आप प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करते अगर लंबर कर्व को, तो उसकी वजह से या तो लंबर का कर्व एग्जैजरेट हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज लंबर हाइपोलोर्डोसिस, या फिर वो कम हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज फ्लैट बैक, या फिर आगे जाके वो लंबर का काइफोसिस बन सकता है. तो यही वाली बात है जिसको हम कहते हैं क्लिक क्लैक फिनोमिना. When one sits at the edge of a straight chair, slow forward translation of trunk increases lumbar lordosis. क्योंकि forward translation से anterior pelvic tilt होता है. Whereas slow backward translation moves the center of gravity dorsal to the scapulohumerus. Further translation can lead to backward tilt of pelvis and lumbar kyphosis. ठीक है, flattening हो जाएगी. The function of a lumbar support is to provide firm support on the upper side of the pelvis and the lumbar area to prevent tilting of spine and kyphosis. ठीक है, सिंपल सी बात है कि लंबर सपोर्ट इस वजह से होता है ताकि हमारे पेल्विस और लंबर एरिया को सपोर्ट कर सके, ताकि हमारी जो स्पाइन है ना वो एंटीरियरली टिल्ट हो ना वो पोस्टीरियरली टिल्ट हो, और इस तरह से ना तो लोर्डोसिस होगा और ना ही लंबर के ऊपर जो काइफोसिस है वो डिवेल्प होगा. तो बैक सपोर्ट की बड़े इंपॉर्टेंस है. दिस वन इज द पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट. पेल्विस जो है वो पोस्टीरियरली आ गई है, यहाँ पे पेल्विस अपनी न्यूट्रल पोजिशन में है, और यहाँ पे पेल्विस जो है वो एंटीरियरली मूव कर गई है. जो पेल्विस पोस्टीरियरली टिल्ट करती है, तो इसके टिब्रोसिटीज जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं हमारी जो नीचे जो सीट है उसके साथ. तो अगर सीट हार्ड हो तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स जो है वो ओरिजिनेट हो जाती. दिस वन इज लोर्डोटिक वर्सेस काइफोटिक लंबर. यहाँ पे आप देखेंगे लंबर का कर्व जो है वो एग्जैजरेट हो गया है, पेल्विस एंटीरियरली टिल्टेड है, यहाँ पे पेल्विस पोस्टीरियरली टिल्ट है, और यहाँ पे जो हमारा बैक है वो फ्लैट हो गया. ठीक है, तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इज एसोसिएटेड विद लोर्डोटिक कर्व, एंड द पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट इज एसोसिएटेड विद स्वे बैक और फ्लैट बैक और काइफोटिक लंबर. ये डिफरेंट तरह के पोस्चर्स हैं जो हम असेस कर सकते हैं. पोस्चर को आप फ्रंट से लाइक एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू और लैटरल व्यू, तीनों तरह से असेस कर सकते हैं. अगर आप लैटरल व्यू से अपने जो पोस्चर्स हैं उनको असेस कर रहे हो, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मल्टीपल पॉइंट्स से होकर गुजरती है. ठीक है, आपके जो ऑर्डिनरी मीटर्स हैं या आपकी जो एयर है उसके लेवल पे, फिर आपके शोल्डर के लेवल से, फिर आपके जो हिप और नी के लेवल्स हैं, और फिर लैटरल टू मेलोलस आपके एंकल के रीजन पे जो है वो इस तरह से पास करती है.
आपको इसी से समझ आ जाएगी कि अगर आप कोई लाइन पास कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि हिप जो है वो पीछे हो गया, तो आपको समझ आ गई पोस्चर खराब है। इसी तरह से यहाँ से अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो नी ज्वाइंट है वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको पास ऑन करें तो हिप और नी जो है और ये आपको जो एंकल है इसके लेवल पे लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गई। यहाँ से फिर अगर आप इसको पास करते हैं तो फिर आपके जो हिप के एरियाज हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो काइफोटिक पोस्चर जब होगा तो ये चीज जो है इससे भी आपको समझ आ गई कि लाइन से प्रॉपरली लाइन जो है वो बीच में से पास नहीं करी तो पोस्चर जो है वो खराब है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर में अगर आप यहाँ से लाइन को पास कर रहे हैं तो आपको पता चल गया कि एयर के लेवल से जो है वो नहीं पास कर रही आपकी लाइन, तो पोस्चर जो है वो खराब है। तो गुड पोस्चर्स में मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जहां से आपकी जो लाइन है उसको पास करना जरूरी है, तो पोस्चर को हम साइड व्यू से या लैटरल व्यू से जो है वो असेस कर सकते हैं। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट थी तो लंबर का लोडोसिस हो गया, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट थी तो यहाँ पे जो बैक है उसकी स्ट्रेटनिंग हो गई है, ठीक है, ये लंबर लोडोसिस है। यहाँ से आप देखेंगे थोरेसिक का जो हम्प है, जो कर्व है, वो एग्जैजरेट हो गया है। यहाँ पे फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, पोकिंग चिन है, राउंडेड शोल्डर्स हैं, तो ये सारे एबनॉर्मल पोस्चर्स हैं। एंड दिस वन इज द नॉर्मल पोस्चर जिसको हमने मेंटेन करना है। तो ये नॉर्मल कर्व्स हैं हमारे स्पाइन के, जो पहले बात हो गई प्राइमरी कर्व एंड द सेकेंडरी कर्व। जो हमारा थोरेसिक और जो सैक्रल का कर्व है ये हमारे प्राइमरी कर्व हैं, और सर्वाइकल और लंबर जो है ये हमारे सेकेंडरी कर्व हैं। दे आर कन्वेक्स फॉरवर्ड, और हमारा जो थोरेसिक और सैक्रम का होता है ये हमारे कन्वेक्स बैकवर्ड होते हैं। बैकरेस्ट जो है दिस पोर्ट नॉट रिच हायर देन द लोअर एज ऑफ द स्कैपुला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो इनफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है उससे आपने नीचे रखना है। थोरेसिक स्पाइन इज रिजिड एनफ एंड अ हायर बैक सपोर्ट पुशेस द शोल्डर फॉरवर्ड व्हिच ओवररूल्स द लंबर सपोर्ट, ठीक है। थोरेसिक स्पाइन हमारी रिजिड है बहुत ज्यादा, तो उसको बैक सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और अगर आप बैकरेस्ट रखते हैं ऊपर तो ये शोल्डर को फॉरवर्ड कर देता है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड शोल्डर पोस्चर डिवेलप हो सकता है और ये हमारी लंबर सपोर्ट, फिर लंबर को सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम ऊपर रखते हैं तो शोल्डर की स्ट्रेचिंग और राइट और लेफ्ट को हमारा टर्न होना मुश्किल हो जाता है अगर हम शोल्डर रीजन से सपोर्ट जो है उसको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वन है सिटिंग इन बेड। सिटिंग इन बेड जो है उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स में तो इंक्लाइंट जो बेड होते हैं दे आर अवेलेबल। आप अक्सर देखते होंगे हमारे हॉस्पिटल्स में बेड होते हैं जो एडजस्टेबल होते हैं, कि अगर आपने हेड एंड एलिवेट करना है तो आप हेड एंड एलिवेट कर सकते हैं, अगर आपने फुट एंड एलिवेट करना है तो आप फुट एंड जो है उनको एलिवेट कर सकते हैं। हमारे जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पाइन लाइन में सांस का प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए इंक्लाइंट जो बेड्स हैं, ये इंक्लाइंट जो हमारे मटेरियल्स हैं, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि इनकी ब्रीदिंग जो है वो हैम्पर्ड ना हो। या फिर सी सेक्शन हुआ है, आपने फीड कराना है, तो फीडिंग मदर्स के लिए इंक्लाइंट जो बेड्स हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं। इनकी मदद से आप जो है वो उनको सपोर्ट के साथ बिठा सकते हैं। वैसे तो पिलोज भी इसका काम कर सकते हैं, लेकिन इंक्लाइंट जो बेड्स हैं ये भी अवेलेबल हैं ताकि आपकी जो बायोमैकेनिक्स है वो ऑल्टर ना हो। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेसिक बेनिफिट जो है वो, हेलो, यस मैम, स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी हो रही है, यस मैम हो रही है। इस इंक्लाइंड बेड का जो बेसिक बेनिफिट है वो ये है कि इंक्लाइंड बेड की वजह से हमारा जो लाइक एंगल जो है इंक्लाइनेशन का, इसकी वजह से डायरेक्ट आपकी जो इसकियल ट्यूबरोसिटीज हैं उसके ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं पड़ता। अगर ये इंक्लाइंड ना हो और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, लाइक अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे तो उस केस में ये होगा कि जब आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं तो आपकी जो नीचे से इसकियल ट्यूबरोसिटीज हैं, इसकियल ट्यूबरोसिटीज के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ता है, और जब इसकियल ट्यूबरोसिटीज के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से वहां की आपकी जो स्किन है वहां पे अल्सरेशन के चांसेस हैं, या पेन होता है, या फिर आपकी जो लास्ट बोन है आपकी स्पाइन की जिसका हम कॉक्सिक्स कहते हैं, कोक्सीडाइनिया हो जाता है कि कॉक्सिक्स में पेन होता है, फिर उसके केस में आपको कॉक्सिक्स को मोबिलाइज करना पड़ता है, सैक्रम को मोबिलाइज करना पड़ता है, आप जो है वो पिरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करते हैं, तो मल्टीपल जो चीजें हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो क्या कहते हैं, पहले जैसे कोक्सीडाइनिया को प्रिवेंट करने हो गया तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पहले प्रिकॉशनली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि जो है वो हॉरिजेंटल सीट्स जो है उनको इस्तेमाल ना करें, सीट्स ऐसी हों जो इंक्लाइंड हों ताकि आप पे डायरेक्ट प्रेशर ना आए स्केल ट्यूबरोसिटीज के ऊपर, कॉक्सिक्स के ऊपर, और बीच में जो है वो आप फ्रिक्वेंटली अपना पोस्चर जो है उसको मॉडिफाई करते रहें। तो इंक्लाइंड जो बेड्स हैं उनका, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके
इसके बाद जो जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारी जो रॉकिंग चेयर्स हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती हैं, तो जब वो अक्सर रेस्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं कि आप उनको जो है पढ़, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो आप रॉकिंग चेयर्स के ऊपर बैठते हैं, वो थोड़ी सी जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करती हैं आपको, क्योंकि वो इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है। तो इंक्लाइंड जो सर्फेसिस होती हैं बेसिकली वो हमारी जो लाइक जो स्केल टिबरोसिटीज के ऊपर हमारा जो प्रेशर है उसको मिनिमाइज कर देती है। तो इस वजह से हम नॉर्मली जो है वो रिकमेंड करते हैं कि हमारे जो लाइक जो हमारे पेशेंट्स हैं वो इस तरह की सीट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें जो बेसिकली उनकी हॉरिजेंटल हो, सॉरी हॉरिजेंटल ना हो, थोड़ी सी जो है वो हमारे इंक्लाइंड हो। तो इस तरह की जो सीट्स हैं दे आर रिकमेंडेड। अब ये जो आपके सामने पेशेंट है माइट बी पॉसिबल जैसे इस एज में हम नॉर्मली जो है वो इंक्लाइंड चेयर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ओल्ड एज में लोग होते हैं वो थोड़े से अस्थमेटिक होते हैं या ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओल्ड एज में आना शुरू हो जाती हैं। ये जो पोजीशंस हैं ये आइडियल हैं, लाइक आप इसमें रीडिंग भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो ओल्ड एज है उनके लिए इस लिहाज से भी बेनिफिशियल होती हैं कि आराम से जो भी लाइक ईटिंग जो ब्रीदिंग के जो इश्यूज हैं उनको जो है ये काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। एक मिनट, यहाँ पे लाइट चली गई तो पीसी ऑफ हो गया जिससे मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की थी, मैं मोबाइल के थ्रू आपको जो है वो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जी शो हो रही है सबको स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल सीट्स होती हैं बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारी जो स्केल टिबरोसिटीज हैं उनके ऊपर हमारा जो क्या कहते हैं फ्रिक्शन जो है वो उसको रेज कर देती है, ठीक है। तो इस वजह से हम जरा सा भी अगर मॉडरेट सीट एंगल करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा 90 से 95 का जो एंगल है वो होना चाहिए, जो कि जैसे हमारा क्लासिकल रोकिंग चेयर में होता है। With slight inclined seat surface at discal tuberosities, the resultant forces stands nearly perpendicular to surface with less horizontal FH component reduces friction on the discal tuberosities. क्या होता है, हल्का सा स्लाइड सा जब आप इसको इंक्लाइंड करते हैं
तो वो जो एंगल बनते हैं उसकी वजह से हमारा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्केलेटल ट्यूबरोसिटीज हैं उनके ऊपर प्रेशर कम आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रॉकिंग चेयर है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है और जो हॉरिजेंटल बिल्कुल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट में आपकी जो बोन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस क्रिएट होती हैं, जबकि जो रॉकिंग चेयर्स हैं उनके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलेटल ट्यूबरोसिटीज हैं आपकी और बीच में आपकी कॉक्सिक्स बोन है। तो अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे बैठे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हो तो उसके केस में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो बढ़ जाती हैं और पेशेंट आपके पास पेन के साथ आते हैं। उसमें फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप डोनट शेप, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि अक्सर लोग आप देखते होंगे कि वो उनके पास एक डोनट शेप कुशन होता है, बीच में उसके सुराख होता है, वो उसको लेके कहीं पे भी बैठना तो उसको रखते हैं पहले फिर बैठते हैं, क्योंकि उनकी कॉक्सिक्स में पेन होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये इंक्लाइंड चेयर जो है वो उस केस में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन है कि बैक रेस्ट की जो इंक्लाइनेशन है वो ऑडिटोरियम में और कार्ड सीट्स में जो है वो लार्जर होती है। ठीक है, हेड रेस्ट जो है अगर आप उसको बहुत फॉरवर्ड आगे की तरफ कर देंगे तो उसकी केस में क्या होगा कि एक तो ना तो उसके ऊपर आपका हेड प्रॉपरली रखा जा सकता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब हेड प्रॉपरली नहीं रखा जा सकता तो आपकी जो नीचे से बैक है ठीक है वो भी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं हो पाती। तो हेड रेस्ट कैन नॉट कैरी हेड व्हेन प्लेस टू फार फॉरवर्ड। ठीक है, तो वो सही तरह आपके जो हेड है उसको कैरी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको चाहिए कि हेड रेस्ट भी इस तरह से अरेंज हो कि जो बहुत ज्यादा फॉर फॉरवर्ड ना हो, वो आपकी जो बैक रेस्ट है उसकी इंक्लाइनेशन में हो ताकि आपकी बैक भी सपोर्ट हो सके और साथ में आपका जो हेड है वो भी सपोर्ट हो सके। ठीक है, इस वजह से किया जाता है ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं उनको रिड्यूस किया जाए और आपका जो व्यू है स्क्रीन है उसका जो परफेक्ट है वो आए, परफेक्ट व्यू आए स्क्रीन का, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट वन है लेग क्रॉसिंग। लेग क्रॉसिंग के कोई खास सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है कि अगर आप बैठे हुए लेग क्रॉसिंग कर लें तो इसके कोई खास बेनिफिट नहीं है, सिवाय एक के कि जब आप लेग क्रॉस करते हैं तो आपका जो एसआई ज्वाइंट है उसकी सेल्फ ब्रेसिंग हो जाती है। जैसे सेल्फ ब्रेसिंग क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जब भी आप अपने जो लेग्स हैं उनको क्रॉस करते हैं तो आपका जो एसआई ज्वाइंट है उसकी ब्रेसिंग हो जाती है, लेकिन ये तब नहीं होता जब आपके इंटरनल ओब्लीक जो मसल्स हैं वो वीक हो। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल्फ ब्रेसिंग के लिए जरूरी है कि आपके जो एसआई ज्वाइंट है इसके जो सराउंडिंग के मसल्स हैं वो पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि वो कंप्रेसिव फोर्सेस को आपके जो ज्वाइंट है उसकी तरफ डायरेक्ट कर सकें ताकि फ्रिक्शनल फोर्सेस क्रिएट हों और आपके जो ज्वाइंट है उसमें से शेयर कॉम्पोनेंट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो जब आपका इंटरनल ओब्लीक मसल वीक होता है तो उसके केस में आपके जो एसआई ज्वाइंट है उसके सेल्फ ब्रेसिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूरी है कि इंटरनल ओब्लीक जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग जो है वो अच्छी हो। नेक्स्ट वन है चेयर एंड टेबल। चेयर एंड टेबल जो है, जैसे अभी हमने सिर्फ चेयर के बारे में बात की कि चेयर का ये होना जरूरी है, उस पर आर्म रेस्ट हो, उस पर बैक रेस्ट हो वगैरह वगैरह, तो ये बात जो है कि चेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है गुड पोस्चर के लिए, लेकिन जब आप लिख रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप कोई पीसी जैसे लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके केस में खाली चेयर ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि डेस्क जो है उसकी इंक्लाइनेशन भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी चेयर अच्छी है लेकिन डेस्क बहुत नीचे है तो आपकी जो स्पाइन है उसको बेंड करना पड़ेगा। तो देखा गया कि डिस्पाइट गुड चेयर्स पोस्चर्स विद बैक बेंट और ट्विस्टिंग कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, कि आपकी बैक बेंड हो गई है, ट्विस्टिंग आ गई है, तो ये देखा गया कि सिर्फ हमारी चेयर्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती बल्कि डेस्क जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बीच में। जैसे आपके सामने जो डायग्राम है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो बैक है, अगर आपकी जो लाइक डेस्क अगर आपके प्रॉपर हाइट के साथ नहीं है आपकी चेयर के, तो उसके केस में आपकी जो नेक है उसके ऊपर फ्लेक्शन आ रही है, शोल्डर जो है वो फ्रंट की तरफ मूव कर गए हैं, राउंडेड हो गए हैं। जो हमारी लो बैक है वहां पे आप देखें कि जो आपका 90 का एंगल बनना चाहिए था बैक हिप और नी के दरमियान में, वो 90 का एंगल नहीं बन रहा। आपके जो फुट है वो प्रॉपरली ग्राउंड के ऊपर प्लेस नहीं है। आपकी जो आई लेवल है वो आपके लैपटॉप के साथ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो मल्टीपल एबनॉर्मैलिटीज जो है पोस्चर की वो कॉज कर सकती हैं। रिस्ट में पेन आएगा क्योंकि रिस्ट पे जो है वो ज्यादा फ्लेक्शन हुई हुई है। कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है रिस्ट के अंदर। आपकी जो सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बैकएक हो सकता है, आपकी नी और हिप में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैड पोस्चर की वजह से मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेज होती हैं। ठीक है, रीडिंग विद ट्रंक अपराइट रिक्वायर्स शार्प बेंड इन द सर्वाइकल स्पाइन व्हिच कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर आपने बिल्कुल अपराइट पोजीशन में बैठना है ट्रंक को,
तो लेकिन उसके केस में जब आप रीड कर रहे होते हैं तो आपकी स्पाइन को तो बेंड करना पड़ेगा क्योंकि आप रीड कर रहे हैं, तो ये ज्यादा अरसे के लिए आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है कि आपके डेस्क की हाइट इस तरह की हो कि आपके जो सर्वाइकल है उस पर शार्प बेंड ना आए। तो रीडिंग का डिस्टेंस इस वजह से हम जो है वो 25 से 35 सेंटीमीटर से ज्यादा रखते हैं ताकि आइस के ऊपर भी प्रेशर ना पड़े और आपकी जो स्पाइन है सर्वाइकल की उसके ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट है वो उस तरह से ना आए। तो इस वजह से हमारी जो डेस्क है उसकी भी इंक्लाइनेशन जरूरी है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि चेयर की जो इंक्लाइनेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसी तरह से हमारा जो डेस्क है उसकी जो इंक्लाइनेशन है वो भी जरूरी है और अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री तक जो है ये इसकी इंक्लाइनेशन हो। जैसे आप सामने देख सकते हैं डायग्राम, जो फर्स्ट वन है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, इसमें भी हमारा जो टेबल है जो डेस्क है वो हॉरिजॉन्टल है। उसकी वजह से आप देखेंगे मल्टीपल एरियाज में जहां जहां पे रेड स्पॉट्स बने हुए हैं कि आपके जो फुट है वो भी प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर रहे, हिप और नी के दरमियान में 90 का एंगल नहीं है, बैक पीछे से स्पॉटेड नहीं है, आपके जो शोल्डर्स हैं वो आपके प्रॉपर एक्सटेंशन में है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है ये प्रॉब्लमैटिक है। सेकेंड वन जो है ये भी इनकरेक्ट है, आपका जो स्पाइन है वो सी शेप हो रही है, आपके जो हिप और नी है वो प्रॉपर एंगल नहीं बना रहे, आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो फ्लेक्स्ड है। नेक्स्ट वन जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स है। जो लास्ट वन है उसमें आप देखें कि जब आपने डेस्क को इंक्लाइन कर लिया है, लाइक डेस्क जो है जब एंगल बनाता है तो आपकी जो एल्बो है वो भी फ्लेक्स्ड है, ठीक है, एक्सटेंडेड नहीं है। तो उसके अलावा आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो एक्सटेंशन में है, फ्लेक्शन में नहीं है, आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उस पर कोई सी शेप नहीं चीज बन रही, आपके जो हिप और नी है वो आपके प्रॉपरली अलाइनमेंट में है 90 डिग्री के, और साथ में आपके जो फुट है वो ग्राउंड के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं फुट रेस्ट की मदद से। तो इसका मतलब हुआ कि डेस्क की जो इंक्लाइनेशन है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये इंक्लाइन डेस्क है, ठीक है, और इसकी वजह से आपका जो पोस्चर है वो बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट वन है लाइंग। लाइंग जो है ये भी जरूरी है, जब हम नॉर्मली रात को सोते हैं तो रिसर्च में ऐसी चीजें हैं कि एटलीस्ट आप 20 टाइम्स अपना पोस्चर जो है उसको चेंज करते हैं नॉर्मल जो लोग हैं। और जब आप स्पाइन लेटते हैं तो उसके केस में आपको जो ज्यादा प्रेशर आता है वो आपके हिप और शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर आता है। तो आपके जो मैट्रेसेस हैं वो आइडियल तब होंगे जब वो स्पाइन लाइन में आपकी जो स्पाइन है उसको सी शेप रखें और साइड लाइन में आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। जैसे आप लोग नॉर्मली सुनते होंगे कि मेरा मैट्रेस जो है वो लूज हो गया है तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि हार्ड सरफेस पे सो, तो आजकल मैं चरपाई पे गद्दा डाल के सो रही हूँ क्योंकि मेरा स्प्रिंग मैट्रेस फारिग हो गया, मैं इस पे जब लेटती हूँ जब सुबह उठती हूँ तो फ्रेश नहीं होती, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा होता है। क्योंकि आपकी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब होती है, वो डिपेंडेंट है आपके मैट्रेस के ऊपर कि आप किस तरह की जगह के ऊपर सो रहे हैं। और आप जैसे आप 6 to 7 hours के लिए सोते हैं तो वो मैट्रेस जो है वो बहुत मैटर करता है आपके पोस्चर्स के लिए। तो क्राइटेरिया क्या है आपका कि आपके जो 2 square plate है 20-20 सेंटीमीटर की 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसमें सिंकिंग हो, ईच लोडेड विद 20 kg, द ग्रेटर द डेप्थ टू विच द प्लेट सिंक द ग्रेटर द कन्फॉर्मिटी। क्या बात है इसमें, क्या मतलब है इस बात का। जो मैट्रेसेस होते हैं बेसिकली इनमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप इंटेगोमेट्री फिजिकल थेरेपी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि जो मैट्रेस है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इमर्शन है, इन्वेलपमेंट है, कन्फॉर्मिटी है। इमर्शन क्या है कि आपने डाला है तो चीज उसके अंदर इमर्स्ड हो गई है। इन्वेलपमेंट क्या होता है कि जैसे इन्वेलप कर लिया है आपने किसी चीज को। इसकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि ये आप जब IPT में पढ़ेंगे इंटेगुमेंटरी फिजिकल थेरेपी में तो वहां पे आपको प्रॉपर समझ आएगी। अभी फिलहाल इसको समझने के लिए ये बस इतना समझ लें कि आपको जो मैट्रेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैट्रेस जो है दैट शुड बी हार्ड, बहुत ज्यादा सिंकिंग वाला ना हो कि आप उसमें लेटे तो उसके अंदर ही धंस जाएं, ठीक है, इस तरह से हो कि वो आपको कन्फर्म तो करता हो लेकिन आप बिल्कुल उसके अंदर जो है वो सिंक डाउन ना हो कि बिल्कुल ही डूब गए हैं, ठीक है। तो उस तरह की चीज जो है ये आपके बैक के लिए ठीक नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड शेयर इज अ प्रोवोकेशन ऑफ डेक्यूबिटस स्किन अल्सरेशन। ये क्या बात है, हमारे वो पेशेंट्स जो बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, लाइक फालिज का अटैक हो गया, खुद मूव नहीं कर सकते, उनको मोबिलाइज करना पड़े, या कोई कोमा में चला गया है या कोई ICU में है, तो उसके केस में क्या है कि जब आप बहुत अरसे एक पोजीशन में लेटे रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो प्रेशर पड़ रहा होता है बोनी सर्फेस जिसके ऊपर, तो उन एरिया से आपकी जो स्किन है उनकी अल्सरेशन शुरू हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज प्रेशर अल्सर। के प्रेशर के पड़ने से आपकी स्किन नेक्रोटिक हो गई और उस जगह से जो है वो स्किन जो है उसका रप्चर शुरू हो गया। तो या जैसे पेशेंट लेटा हुआ है उसकी स्किन प्रेशर पड़ने की वजह से जो है वो थोड़ी सी फ्रेजाइल हो गई है, और आप उसकी पोजीशन चेंज कराने के लिए जब आपने उसको खींचा है तो आपने के खींचने से जो शेयर फोर्स क्रिएट हुई है तो वहां से स्किन जो है वो रप्चर हो गई या वहां पे वुंड बन गया।
तो बेसिकली हमारे जो प्रेशर अल्सरेशन हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम डिफरेंट तरह के मैट्रेसेस या डिफरेंट तरह के जो हमारे मैट्रेसेस ही कहेंगे उनको, हम वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को. वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, किसी में हवा भरी होती है, किसी में पानी भरा होता है, कोई विस्को इलास्टिक होते हैं. ये बेसिकली प्रेशर को ऑफलोड करते हैं स्पेसिफिक एरिया. जैसे जब मैं लेटूंगी तो मेरी ये जो शोल्डर्स हैं वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मेरी जो हिप है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मेरे जो अगर मैं साइड लाइन में हूँ तो नी के लेवल पे, और मेरे जो लैटरल मैल्यूलस है एंकल के लेवल पे, उन पे प्रेशर पड़ता है. तो ये वो एरियाज होते हैं जो ज्यादा प्रोन होते हैं कि यहाँ पे जब बार बार स्किन जो है वो कॉन्टेक्ट में आती है तो रप्चर के चांसेस जो है स्किन के वो बढ़ जाते हैं. तो उस केस में हम फिर पेशेंट को जो है वो मैट्रेसेस रिकमेंड करते हैं, हवा वाले भी जिनमें एयर होती है, या फिर हमारे इंक्लाइंड बेड्स होते हैं जिनके थ्रू हम पेशेंट की जो पोजीशन है उसको चेंज करते रहते हैं. ठीक है, हर 2 घंटे के बाद हमने चेंज करनी होती है. इसमें मल्टीपल चीजें हैं कि पानी ना रह जाए उस मैट्रेस के ऊपर, अगर पानी रहेगा तो मॉइस्चर की वजह से स्किन सड़ जाएगी, वहां से गल जाएगी, नेक्रोटिक हो जाएगी, अल्सर बन जाएगा. तो इसमें मल्टीपल हमारी चीजें आती हैं. तो कहने की बात यह है कि एक ही जगह पे प्रेशर पड़ने से जो स्किन अल्सरेशन है वो हो सकती हैं. पिलो टाइप जो हम यूज करते हैं इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है. जैसे अगर आप बहुत पतला पिलो इस्तेमाल करें तो उसके केस में आप देखेंगे जो पहले डायग्राम है कि अगर आप बहुत पतला पिलो इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो नेक है इस पे एक्सटेंशन आती है, जिसकी वजह से आपके फ्रंट से फ्लेक्सर जो है वो ओवर स्ट्रेच हो सकते हैं. अगर आप बहुत हाई पिलो इस्तेमाल करेंगे तो नेक फ्लेक्शन में रहेगी, जिसकी वजह से पीछे से नेक के एक्सटेंशन ओवर स्ट्रेच हो सकते हैं. आइडियल जो पिलो है वो होते हैं जिनकी वजह से आपकी जो स्पाइन है सर्वाइकल की वो न्यूट्रल रहे. इसी तरह से साइड लाइन में अगर आप हैं तो टू लो जो पिलो होगा उसकी वजह से ऑपोजिट साइड के साइड फ्लेक्सर्स ओवर स्ट्रेच होंगे. बहुत ज्यादा हाई होगा तो आपके जो फ्लेक्सर्स हैं साइड फ्लेक्सर्स ऑपोजिट साइड के वो स्ट्रेच होंगे. तो उसके लिए भी जरूरी है कि ऐसा पिलो हो जिसमें आपकी जो फ्लेक्शन या जो एक्सटेंशन है वो एड ऑन ना हो, आपके जो साइड फ्लेक्सर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो और आपके जो एंगल्स हैं वो किसी तरह से भी ना बने. ठीक है, तो पिलो जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अक्सर आप गाँव तकिया लगा के सो जाते हैं तो उस केस में आप कहते हैं कि रात को मैंने गाँव तकिया लगाया था तो आपकी जो सर्वाइकल है उसमें पेन हो रहा होता है. ठीक है, क्योंकि पिलो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसकी वजह से आपके मसल्स ओवर स्ट्रेच हो सकते हैं और कुछ मसल्स जो है वो टाइट भी हो जाते हैं. वो पेशेंट्स जो एस्थमेटिक हैं जिनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप हाई पिलो इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है उनमें प्रॉब्लम ना हो, तो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है सर्वाइकल पेन की, तो हम उन्हें साथ ही पहले से गाइड कर देते हैं कि डेली बेसिस पे आपने इन मसल्स को स्ट्रेच करना है, डेली बेसिस पे आपने जो है इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है. तो इस तरह से उनके अंदर अपर क्रॉस सिंड्रोम जो है वो डिवेलप नहीं होता. अब ये जो आज का लेक्चर है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेज किए जा सकते हैं कि हमारी जो एर्गोनॉमिक चेयर है उसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो किस तरह से गुड पोस्चर में हेल्प आउट करते हैं, किस तरह से हम अनकॉन्शियस जो पेशेंट्स हैं उनके प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंट अगर आप चेंज करते हैं उनकी पोजिशन को, अगर आप उन्हें मैट्रेसेस ऐसे रिकमेंड करते हैं जो ऑफलोड कर देते हैं स्किन को, तो उस तरह के मैट्रेसेस जो है ये प्रेशर अल्सर्स को बनने से रोक सकते हैं. फिर हमने ये बात की थी क्लिक क्लैक फिनोमिना क्या है. तो हमने इसमें कहा था कि अगर आप बिल्कुल एच पे बैठते हैं चेयर के और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो लंबर है वो फॉरवर्ड ट्रांसलेट होती है, जिसकी वजह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आता है, तो आपका जो लंबर का लोडोसिस है वो बढ़ जाता है. अगर आप पीछे होके बैठते हैं और आपको बैक रेस्ट या बैक सपोर्ट नहीं है तो उसके केस में आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड ट्रांसलेशन हो जाएगी लंबर की, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग आएगी और आपकी जो बैक है वो फ्लैट हो जाएगी. तो ये बेसिकली आपका क्लिक क्लैक फिनोमिना है. इसमें कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. जी हबीबा, मैंने क्लिक क्लैक दोबारा से बता दिया है, अब आपको समझ आ गया. इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई ऐसी चीज इसमें जो आपको समझ नहीं आई? नो मैम. मैं दोबारा से ये चीज रिपीट कर देती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिनके पास वैक्सीनेशन है वो जरूर आए, जो वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी ऑनलाइन रहना चाहते हैं वो ऑनलाइन ही रहें. ठीक है. सेकेंडली ये कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपका क्लैश नहीं है तो आप इससे पहले जो क्लास होती है 2 to 3:30 उसमें ऑन कैंपस 1 से 14 में क्लास ले सकते हैं. ठीक है. थर्ड वन ये
कि जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई उनको अलाउ नहीं है डायरेक्टर की तरफ से कि वो अपनी क्लास ऑन कैंपस लें. और आपकी जो क्लास है वो फिफ्थ फ्लोर पे है, यहाँ पे 502 है लैब SHS में. तो अभी वहाँ पे PCs अरेंज नहीं है, होपफुली मंडे तक अरेंज हो जाएंगे तो आपकी क्लास फिर हाइब्रिड जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी. इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. मैम मिड्स का कोई आइडिया हो आपको? बेटा मिड्स जो है मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होंगे, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो ऑनलाइन ही होंगे, ज्यादातर चांसेस यही हैं अभी तक. और मैम कब से स्टार्ट है? कब से तो बेटा नेक्स्ट वीक था, लेकिन अभी यही है कि जब एकदम से खुला है कोई पॉलिसी तब तक डिवाइस नहीं होगी तब तक हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक तो यही है कि शायद वो ऑनलाइन ही होंगे. ठीक है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, जैसे हमारे पास आएगा आपको पता चल जाएगा. ठीक है. यस मैम. जी मैम, क्योंकि हमारी तो अभी वैक्सीनेशन ही नहीं हुई, अभी तक फर्स्ट के लिए कोड ही नहीं आ रहा, काफी दफा ट्राई भी किया. आप तो वॉक इन हो गए, आप तो ऑन कैंपस, ऑन कैंपस एग्जाम्स हो जाए और वो हमें आने ही ना दें. नहीं नहीं, ऑन कैंपस एग्जाम देखे ना बेटा, आपको रजिस्ट्रार ने एक वो भेजा है, उनसे उन्हें आइडिया हो गया कि किसकी वैक्सीनेशन नहीं है, तो वो ऑन कैंपस बुला ही नहीं सकते. ठीक है, और मेजोरिटी की नहीं है, सिर्फ 20-30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके वैक्सीनेशन हैं, 70-80% के वैक्सीनेशन है ही नहीं, तो एकदम से ऐसे नहीं बुलाएंगे. और बाकी डिपार्टमेंट शायद फाइनल ले रहे हैं ऑन कैंपस, क्योंकि उन लोगों के सेमेस्टर हमसे पहले शुरू होते हैं. जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हेल्थ साइंसेस के जो लोग हैं, चाहे वो एलाइड हैं, चाहे वो नर्सिंग है, चाहे वो MBBS हैं, चाहे वो BDS हैं, उनके स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन मस्ट है फॉर एग्जाम्स. ठीक है, जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो रूल तो यही है कि आप लोगों को नहीं बुलाया जा सकता. सेकेंडली ये कि अब वॉक इन हो गया है, ठीक है, आप अब वॉक इन पे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं. आप वॉक इन जाएं, डोज लें अपनी, और आइडियल तो यही है कि फर्स्ट डोज के बाद आप अपना क्वारंटीन करें, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और उस टाइम पे चांसेस ज्यादा है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है कोविड के लिए. सेकेंड डोज के फर्स्ट वीक के बाद आपकी एंटीबॉडीज डिवेलप होती हैं, तो इट्स अप टू यू कि आपको, आप चाहते हैं कि बस हमने ऑन कैंपस ही पढ़ना है और आप खुद को एक्सपोज करना चाहते हैं या रिस्क लेना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. फर्स्ट डोज के बाद भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती है और उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कैच करने के. ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं फर्स्ट डोज के बाद आना तो मैं किसी को नहीं मना कर रही, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि यू शुड अवॉइड. और खैर आप एक दिन आएंगे तो मेरा ख्याल है होपफुली आप नेक्स्ट डे नहीं आएंगे, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज्यादा है. मैम गर्मी बहुत ज्यादा नहीं आएंगे जी, गर्मी इतनी ज्यादा है कि आप लोगों से आया ही नहीं जाएगा. आप शुक्र करें कि आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप लोग घर बैठ के आराम से एसीज में, या एसी ना भी चल रहे हो तो घर में बहुत बेहतर है. जब आप बाहर निकलेंगे एक दिन में ही तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बाहर निकलना, निकल के आना कितना टफ है. यस मैम, बस हम दुआ करें कि मिड्स भी ऑनलाइन हो जाए. ऑनलाइन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही है, लेकिन जो आना चाहते हैं, जिनको गर्मी से किसी चीज से इशू नहीं है, जो वैक्सीनेटेड भी हैं, जो चाहते हैं कि ऑन कैंपस ही लें, जिनको नहीं समझ आ रहा, दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन कम. ठीक है, इसके अलावा कोई बात है? नो मैम. चलें ठीक है बेटा, मैं इसको एंड कर रही हूँ. इससे पहले कि आपकी जो अटेंडेंसेस हैं वो सारी अपडेट हो गई हैं, ठीक है, आपके पोर्टल्स पे, और इससे पहले के जो लेक्चर, इवन कि ये वाला लेक्चर भी मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया LMS पे. ठीक है, तो होपफुली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अभी तक वाला सारा कुछ जो है वो LMS पे अपडेटेड है, तो समझें ये वीक भी कम्प्लीट है. इसकी इसके PPTs भी अवेलेबल है और पीछे सारी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है. ठीक है, ओके मैम. ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मैम. अल्लाह हाफिज़.